देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। डोईवाला में आज कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक सभागार हॉल में पूर्व सैनिक, उनके परिजन और राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की और 60 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई, जिसके बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सैनिकों का सम्मान सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही देश और राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक विजय के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम उसके 50 वर्ष पूरे होने जो दिसंबर के महीने में पूरे होंगे, सब जगह घूम घूम करके सैनिकों का सम्मान करेंगे, सैनिक परिवारों का सम्मान करेंगे, शहीदों का सम्मान करेंगे, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान करेंगे और उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन लोगों ने अपने पराक्रम और शौर्य से, सूझबूझ से समाज का मान बढ़ाया है। और हमने ये अभियान ये नवरात्रियों से शुरू किया। किसानों की शहादत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। 700 के करीब शहीद हो गए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर। रुद्रपुर में पुलिस की सख्ती के बावजूद आईपीएल सट्टेबाजी का खेल रुक नहीं रहा। पुलिस ने गदरपुर रोड स्थित सामिया कॉलोनी में दो कारों में चल रही आईपीएल सट्टेबाजी का खुलासा करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों कारों से 90,000 की नकदी और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर की गल्ला मंडी में भी पुलिस ने सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ममता वोरा ने खुलासा करते हुए बताया कि आईपीएल सट्टेबाजी को रोकने के लिए एसओजी और पुलिस को सक्रिय किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली है कि गदरपुर रोड स्थित सामिया लेक सिटी में दो कारों में बैठकर कुछ लोग आईपीएल में सट्टा लगा रहे हैं। सूचना पर एसओजी टीम ने मौके पर दबिश दी और सट्टेबाजी कर रहे लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। कल भी एसओजी द्वारा रुद्रपुर की सामिया लेक सिटी के अंदर एक खाली प्लॉट में दो गाड़ियां, जिसमें कि 4 लोग सट्टा लगा रहे थे, उनमें से 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से 90,000 रुपये मिले हैं और इसके अलावा 8 मोबाइल हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो इस तरह से एसओजी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया और मुकदमा दर्ज किया गया कोतवाली में। कप्तान साहब ने इसमें इनकी कार्रवाई को देखते हुए 2,500 के इनाम की घोषणा करी है एसओजी टीम के लिए। रुड़की के कलियर शरीफ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे इंडियन आइडल के स्टार मोहम्मद दानिश का कलियर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी शादाब अली ने मोहम्मद दानिश का फूल मालाओं से स्वागत किया। मोहम्मद दानिश ने कहा कि उन्हें साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। साबिर साहब की दरगाह पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उन्हें बेहद फख्र है कि उन्हें आज साबिर साहब की दरगाह पर आने का मौका मिला है। शादाब खान साहब के साथ, मेरे भाई के साथ चादर पोशी करने आया हूँ और मुल्क के अंदर अमनो अमान की दुआ करने आया हूँ। तो मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर आऊँ और माशाल्लाह इतना अच्छा इस्तकबाल किया हमारे शादाब भाई ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना आज पूरी हो रही है कि मैं आज चादर पोशी करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज साबिर पाक का बुलावा आया तो इसलिए आज मैं शादाब भाई के साथ दरगाह पर आया हूँ चादर पोशी के लिए। पाक का जैसे उर्स चल रहा है यहाँ पर, तो इनके वालिद साहब से बात हुई, दानिश भाई के काफ़ी बिजी थे तो समय निकाल कर यहाँ पर दरगाह पे आए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो केजरीवाल साहब ने यहाँ पे चादर पोशी के लिए उर्स कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर भेजा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको इससे भी बहुत बेहतर मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा सुनने को और देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। केदारनाथ यात्रा बंद होने में अब 23 दिन का समय शेष बचा हुआ है। 5 नवंबर को भैयादूज के पर्व पर बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे।
अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक सप्ताह पहले जहां एक दिन में मात्र 800 के लगभग ही यात्री केदारनाथ धाम जा रहे थे, वहीं अब हर दिन 7000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। मात्र 6 दिन में 20000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। भक्तों की आवाजाही होने से लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। देखिए, आज जब से हाईकोर्ट के द्वारा जो ई पास की जो व्यवस्था थी चारधाम यात्रा के लिए जो समाप्त कर दी गई है, उससे कि जो हमारे यात्रीगण है वो एक दिन में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पर इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी, और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में हैं इससे पहले लगे हुए थे, वो आज केदारनाथ में हैं, और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी भी है, जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, उनमें खुशी की लहर है। नैनीताल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति के पास बीजेपी छोड़कर आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी की खुशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गोपाल बिष्ट ने कहा, दोनों की कांग्रेस में वापसी से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस जीत कराएगी और सरकार बनाएगी। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस जीत कर सरकार बनाएगी, ऐसा यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यशपाल की घर वापसी पर आतिशबाजी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही धराली विधानसभा के नारायण बगड़ विकासखंड के गांव नाखौली ग्राम सभा के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। सड़क से वंचित नारायण बगड़ के इस गांव के ग्रामीण 2013 से ही सड़क की मांग कर रहे हैं। 2017 में सड़क को स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और सड़क की फाइनल अभी भी शासन स्तर पर लंबित है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। यानी कि सड़क फाइनल तो हो गई थी, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर सड़क दिखाई नहीं देती है। आज जो है दुनिया कितनी आगे चल चुकी है, कितने आगे दुनिया जो है तो टप कर चुकी है। हम जो है 20 साल 25 साल पीछे रोड की वजह से हम पीछे हो गए। 20 साल 25 साल प्रशासन से हमने कब रिक्वेस्ट किया, कितनी बार रिक्वेस्ट कर दिया है, सारी प्रशासन की जितनी भी मांगे थी वो हमने पूरी कर दी, उसके बावजूद हमारे हमको रोड से वंचित रखा गया है। हमारे जो है हमारे प्रधान हमारे जितने भी आदमी थे सारे अपने अपने काम से सारे प्रशासन को हमने बोल दिया है, जब भी हमारे को कोई संतुष्ट वो नहीं मिली है अभी तक। इसलिए हमें हम चाहते हैं हम वोट का बहिष्कार करेंगे जब भी प्रशासन की जो है नींद खुलेगी। साहब जी, मैं मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारी जो मांगे हैं वो प्रशासन को दिया जाए। हमारे गांव के चारों तरफ जो है रोडें हैं, लेकिन यह गांव जो है रोड से वंचित है, जबकि यहाँ के वृद्धा भी बच्चे वो पैदल रात को पैदल जाते हैं, जब बाज़ार से आते हैं तो पैदल जाना पड़ता है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, कितनी परेशानियाँ हैं। आज भारत के आदिवासी इलाकों में सारे रोडें बिछ गई है, लेकिन एक हमारा गांव ऐसा है कि जहां पर कि हमारे यहां पर 30-40 सैनिक हैं। महिलाओं को कह रहे हैं कि मातृशक्ति आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। क्या मातृशक्ति आगे बढ़ाने हैं? वोट मांगने के लिए कह रहे हैं कि आगे फटाफट मातृशक्ति आगे बढ़ाओ। 6 महीने 4 महीने के बाद कहाँ जा रही वो रोड? इसके लिए हम लोगों ने अगर रोड आ गई आज ये बैठक रोड आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। गैरा है, भालू की डर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस है, डाक लेने के लिए परेशानी हो रही है, कई चीज़ों की यहाँ पर परेशानी है। विभाग सरकार कई प्रकार के यहाँ पर विधायक आ गए, महिलाएं पुरुष कोई भी आए तो सभी ने यही कहा कि 6 महीने 4 महीने में हम रोड दे देंगे। वोट मांगने के लिए तो खूब कह रहे हैं कि हम रोड दे देंगे, अब वोट मांगने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? तब कह रहे हैं कि तुम्हारा जियो तुम्हारा प्रस्ताव कोई भी चीज़ अभी काबिल नहीं हुआ, कौन बनाएगा जब बड़े वो बना रखे हैं? हमने हमें रोड चाहिए,
और हमारे गांव में इतना रोड नहीं तो इतना कष्ट हो रहा है, बच्चों को बच्चे बीमार हो रहे और उनको हॉस्पिटल ले जाने में इतनी चढ़ाई है और बरसाव पीड़ा में, और चार लोग वह डंडी में ले जाते हैं। हमें सरकार से निवेदन करना है कि हम इधर उधर लोगों के गांव में रोड जारी है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे गांव हमारा गांव बिना रोड के वंचित है। सर, जो ये हमारी समस्या है, ये लगातार 2013 से जो हमारी रोड की मांग है, लगातार हमारी मांग चल रही है। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कोई मतलब माताएं महिलाएं प्रसव पीड़ा वाली हो या बीमार आदमी हो, हमें डंडी कंडी की सारी रात हो दिन हो रोड तक पहुंचाना पड़ता है, तब हमें महसूस होता है हम मतलब कुएँ के मेंढक कुएँ में रहेगी। इसलिए हमारी पूरी ग्राम पंचायत ने ये मतलब निर्णय लिया, फैसला लिया कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके शासन प्रशासन हमारी मांग या मतलब रोड के बारे में सोचेगी, तभी हमारी मतलब रोड मतलब स्वीकृत हो पाएगी। हमें चुनाव बहिष्कार का मतलब पूरी ग्राम पंचायत ने फैसला लिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से रानीपुर मोड़ स्थित कार्यालय में कुंभ में सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए 32 करोड़ के घोटाले को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कैप्टन कमेटी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से बताया गया कि हरिद्वार कुंभ के कार्य को लेकर कई अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें समय के साथ साथ RTI के जरिए घोटालों में नेता अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। उसी कड़ी में हर की पौड़ी क्षेत्र में सौंदर्यकरण को लेकर इंडियन ऑयल की तरफ से दिए गए 32 करोड़ रुपए के CSR फंड की किस प्रकार बंदरबांट हुई है, आज सब जनता के सामने आ गया है। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, ये अभी जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि हर की पौड़ी के सौंदर्यकरण को लेके एक 32 करोड़ का घोटाला सामने आया है, इसके बारे में आम आदमी पार्टी की ये प्रेस वार्ता है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे, जिसमें कि जिस प्रकार से हर की पौड़ी एक हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और कुंभ में उनके सौंदर्यीकरण के लिए जिस प्रकार से इंडियन ऑयल का CSR फंड का उपयोग किया गया, और उस पूरे उपयोग में जो कार्य होने थे वो कार्य एक तो पूर्ण नहीं हुए, और जो कार्य हुए वो भी उनकी गुणवत्ता मानक से बहुत कम है, जिसमें कि आपके गऊ घाट का जो एक द्वार बना है, फर्श बने हैं, रेलिंग बनी है, पुताई हुई है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उस 32 करोड़ के हिस्से में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज लोगों के सामने वो संस्था ने जो काम किए हैं वो एक गुणवत्ता से भी बहुत कम है, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस कार्य की जाँच हो। इसके साथ साथ चूंकि ये घोटाले RTI के माध्यम से निकल के आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्थायी कार्य कुंभ के दौरान हुए हैं उन सभी कार्यों के एक ब्यौरा हमें या पब्लिक डोमेन में या अखबारों के माध्यम से इसको पब्लिक के बीच में रखा जाए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि उनकी जो टैक्स की जो गाढ़ी कमाई है वो कुंभ के दौरान जो नेताओं और प्रशासन ने खर्च किया है वो सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। आज ये जो 32 करोड़ का घोटाला है, जो CSR का फंड है, CSR का फंड जो है वो पब्लिक और NGO के उपयोग में आता है, लेकिन जिस प्रकार से इस फंड का एक गलत तरीके से भ्रष्ट तरीके से उपयोग करके नेताओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पैसा का दुरुपयोग किया है, हम उसकी जांच की मांग करते हैं, और ये चाहते हैं कि SIT या फिर किसी जज के माध्यम से इसकी जांच हो, और इसमें जो भी लोग इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरह से उनके 100 दिन पूरे हुए हैं उस तरह से जनता के मुद्दों को वो पकड़ नहीं पाए हैं, भ्रष्टाचार को वो रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग घोटाले के जो आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं, उनको पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। और जिस तरह से ये सौंदर्यकरण के नाम पर 32 करोड़ का घोटाला हुआ था, और इसमें क्या करा है, इन लोगों ने बंदरबांट की है कृत्रिम घास को लेकर। December 2020 में माननीय निशंक जी आए थे, जो यहाँ के सांसद भी हैं और नाम मात्र के सांसद हम उन्हें कह सकते हैं, और उन्होंने बहुत हल्ला उठाया था और अधिकारियों पे बहुत फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद होता यह है कि उसके बाद वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं,
और चुप्पी साध लेते हैं। एक चीज़ समझ नहीं आती है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, चार बार के विधायक मदन कौशिक जी यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, वो इस बात पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे वो कोरोना जांच का घोटाला था या ये 32 करोड़ का जो कुंभ का घोटाला है, इन घोटालों में ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि इन लोगों की बंदरबांट हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नव नियुक्त पीआरओ दिनेश आर्य नैनीताल पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नव नियुक्त पीआरओ दिनेश आर्य पहली बार नैनीताल पहुंचे थे। इस दौरान नैनीताल क्लब में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको फूल माला पहनाई गई, साथ ही मिठाइयां बांटकर खुशी जताई गई। वहीं दिनेश आर्य ने काबीना मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने को लेकर कहा कि बीजेपी को नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रहा हो या राष्ट्रीय नेतृत्व रहा हो, इस तरह की शंका है पहले से थी। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा है, और जो कहीं थोड़ा सा ये था कि विधायक था या मंत्री पुत्र था, इस लेकिन पार्टी नेतृत्व ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे अपना प्रतिनिधि इस विधानसभा को और इस क्षेत्र को देखने के लिए भेजा है। इसलिए मुझे लगता है ना तो कार्यकर्ताओं को किसी तरह के हताश निराश होने की आवश्यकता है, और ना जो सामान्य जो यहाँ की जनता है जिनको लगता होगा कहीं किसी कारण से कोई इससे क्षति होगी, कोई एक रत्ती का क्षति नहीं होगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र और प्रदेश के नज़र इस विधानसभा में इन ऐसे चेहरों पर पहले से थी, और आगे भी इस तरह की जो घटना होगी उनको ठीक करने के लिए पार्टी बिल्कुल कटिबद्ध है। उधम सिंह नगर में कानून के रखवालों पर ही सवाले निशान उस वक्त खड़े हो गए जिस वक्त उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा डाली। आपको बता दें कि सिपाही ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, पिटाई से घायल युवक बुरी तरह से छटपटाने लगा। वहीं ये पूरा मामला कैमरे में लाइव कैद हो गया और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा, एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। बद्रीनाथ धाम में आम आदमी पार्टी का रोजगार गारंटी कार्ड केनोपी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भू बैंकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचकर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों तक अपने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की पैठ मजबूत करने के लिए रोजगार गारंटी कार्ड बांटने पहुंचे हैं। यहाँ आप कार्यकर्ताओं की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए पार्टी के घोषणा पत्र के तहत आम आदमी को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर दिन परिवार के एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का भत्ता देने की बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। सितारगंज में बीजेपी सरकार के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर सितारगंज विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सूबे में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता सितारगंज मुख्य चौक पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ नगर में मिठाइयां बांटी और चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री और हमारे बड़े भाई यशपाल आर्य जी और उनके बेटे नैनीताल के विधायक संदीप आर्य जी, दोनों की कांग्रेस पार्टी में जो कल जुआनी हुई है आज उससे बड़ी खुशी है। इस विधानसभा में सितारगंज विधानसभा में इसलिए खुशी है, वो यहाँ से कई बार विधायक रहे और यहाँ की दिल की धड़कन रहे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 22 में हरीश रावत जी की मेहनत से उत्तराखंड के अंदर और हमारे बड़े भाई यशपाल आर्य जी ये एक ऐसी मेहनत करेंगे
2022 में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 60 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करेगी, ये मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। सितारगंज में पंजीकृत थोक व्यापारी और आढ़तियों के धान की खरीद बंद कर दिए जाने के बाद उपजे विवाद के बाद विधायक सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि रोजाना किसानों को 85 ट्रॉली धान तोला जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किए गए मानकों के अतिरिक्त कटौती नहीं की जाएगी। इस पर किसान और आढ़ती सहमत हो गए। आपको बता दें कि किसानों ने धान में 20% तक की कटौती किए जाने और पेमेंट समय पर ना देने का आरोप लगाते हुए अमरिया चौराहे पर जाम लगा दिया था। बाद में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। एसडीएम से बातचीत में तय हुआ कि किसानों का धान मानक के अनुरूप तोला जाएगा। इसके बाद जाम खोल दिया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आढ़तियों और राइस मिलर्स ने धान की खरीद नहीं की। बाद में विधायक सौरभ बहुगुणा ने दोनों पक्षों के साथ लंबी बातचीत की। इसके बाद ही हल निकल पाया, जिसके बाद विधायक की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि रोज 85 ट्रॉली तोली जाएंगी। कल जो है सितारगंज मंडी में धान तो नहीं हो पाई, इसी कारणवश वो हमारे कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा। कल भी मैं मंडी में 2-2.5 घंटा बैठा, मैंने कोशिश करी कि समन्वय बन जाए, समन्वय नहीं बन पाया। तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे आरएफसी महोदय हैं, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे एसएमआई सब, मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई, सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है, जिसमें कि एक राजमंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में जो कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे और 85 ट्रॉली पर दिन की यहाँ से मंडी से उठाई जाएगी। जो कटौती मानकों में डीएम महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक में मानकों में तय किए गए थे उसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी, और अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो या तो मंडी की लैब वरना एसएमआई की लैब जो फाइनल फैसला देगी वो मान दोनों पक्षों में मानेगा। आज जो ट्रालियां खड़ी हैं, लगभग पिछले कई दिनों से ट्रालियां खड़ी हैं, लगभग मंडी में 350 के करीब ट्रालियां इस टाइम मंडी में हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, मैंने अभी आश्वासन यही दिया है कि आज जितनी मंडी में ट्रालियां खड़ी हैं 85 ट्रॉली हमारे कच्चे आढ़ती ले जाएंगे, उसके ऊपर जितनी भी बची होगी उसको सरकार किसी न किसी व्यवस्था के अंदर सारी ट्रॉलियों को आज मिलों को अलॉट करेगी। मिलर्स और किसानों के बीच थोड़ा आपसी कुछ विवाद था, जो हमारी जो धान क्रय किया जा रहा है, तो यह विवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है वहाँ क्या तक पहुँचा, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसका हर हाल में आज पटाक्षेप किया जाए। माननीय विधायक जी भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग किसानों की और हमारे मिलर्स की गई है, उनके अध्यक्ष भी आए थे मिस्टर सचिन गोयल और एसडीएम साहब भी यहाँ थे। आपसी समझौता हो गया है, टॉल पुनः प्रारंभ की जा रही है। क्या उसमें निर्णय निकला है? निर्णय वही जो पहले से तय था, जो उनकी ट्रॉलियाँ जो पहले 70 आ रही थी अब 85 ट्रॉलियाँ पर डे खरीद की जाएगी। एसडीएम साहब एक थोड़ा हमको राइस मिल चेक करेगा। अच्छा, तीसरा एक और, ये आप मेरी पहली बार मेरे संज्ञान में लाए, अगर ऐसा कुछ है तो राइस मिलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि वो माल क्यों नहीं उतार रहा है। राइस मिलर द्वारा कल एसडीएम से और एसएमआई के साथ जो व्यवहार किया उस पर आपका क्या कहना? देखिए, उसमें अगर एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उनके द्वारा यदि कोई शिकायत की जाएगी तो उस राइस मिलर के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।